हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नाउन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि नाउन क्या है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, उनके प्रकार के बारे में हम लोगों ने सीखा। जेंडर के बारे में हम लोगों ने सीखा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके चलते हैं हम टेंस की तरफ, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी जो हाल के एग्जाम होने वाले जैसे UPPET उसके दृष्टिकोण के हिसाब अकॉर्डिंग टेंस का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेंस के टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। पहला तो एक्टिव पैसिव आ सकता है, दूसरा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, चौथा है कॉम्प्रिहेंशन। इसलिए उस टॉपिक को छोड़ करके आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं जो जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये टेंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिसके माध्यम से आप पूरे इंग्लिश को, क्योंकि जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से अगर हम टेंस को सीख जाते हैं तो पूरे इंग्लिश ग्रामर को हमें पढ़ने और समझने में आसानी होगा। किसी चीज़ को पढ़ना और पढ़ करके उसको समझना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज एक नए सेशन की जिसका नाम है टेंस। इस टेंस को हम जानेंगे कि टेंस है क्या, टेंस के प्रकार कितने हैं, कैसे हम यह इंट्रोड्यूस कर पाएंगे या कैसे हम इसको जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट का है, कौन सा टेंस पास्ट का है, कौन सा टेंस फ्यूचर का है। तो आइए हम लोग एक संगीत के माध्यम से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास, गागी गो को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत, चलो करें टेंस की शुरुआत। हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास्ट, गागी गे को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत, चलो करें टेंस की शुरुआत। आइए हम लोग जानेंगे कि कैसे हम पहचान करेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो हम जानेंगे सिंपल से भाषा में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में हूँ है हो ये शब्द दिखे हमें, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहला हमने कहा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में हूँ है हो इत्यादि शब्द आए, ऐसे टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में था थी थे इत्यादि शब्द आए, ऐसे वाक्य को पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को हम या ऐसे टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप लोग इसको गाने के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास्ट, गा गी गे को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत। तो ऐसे भी सीखिए आप, हैं हूँ हो को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, था थी थे को पास्ट टेंस कहते हैं, गा गी गे को फ्यूचर टेंस कहते हैं।
अर्थात ये टेंस जो होता है इसकी पहचान हम लोग कैसे सीख पाएंगे। सबसे पहले तो किसी चीज़ की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। अगर उस चीज़ की पहचान नहीं है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, महत्व नहीं है। तो सबसे पहले किसी चीज़ की पहचान हो, एजुकेशन में भी अपनी एक पहचान बनाइए जिससे लोग जाने आप। ठीक उसी प्रकार से इसकी हम पहचान जानेंगे सबसे पहले कि टेंस की पहचान क्या है। जैसे हम कहें वह खाता है, वह खाता है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा वह खाता है, तो यहाँ पर वह एक सब्जेक्ट हुआ, खाता एक वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब। हमने कहा कि जब क्रिया के अंत में ता है, ती है या है, हूँ, है इत्यादि आए तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। अगर हम इसी चीज़ को कहें तो वह खाता था, वह खाता था, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो वाक्य के अंत में था आया, क्या आया है? था। तो इससे हम यह स्पष्ट लगाएंगे कि जो लिखा गया ये सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट टेंस का। हम कहते हैं वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा या वह खाता होगा, वह खाता होगा। यहाँ पर देखिए गा गी गे, छोटी सी बात है आपको पहचानना, सिर्फ जान लेना है कि सिर्फ जिसके अंत में ता होगा, ता था होगा, ता होगा, अर्थात जिसके अंत में हैं, हूँ, हो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और जिस वाक्य के अंत में गा गी गे हो ऐसे टेंस को फ्यूचर टेंस कहते हैं। और समझते हैं पास्ट और फ्यूचर को क्या होता है। पास्ट और फ्यूचर को अगर हम समझने का और प्रयास करें अच्छे ढंग से तो देखिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी जो कल की जो पढ़ाई हुई है, जो कल की पढ़ाई हुई है वह हमारा फ्यूचर है, सॉरी वह हमारा क्या है? पास्ट है। क्या है? पास्ट। आज हम जो पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट में वह हमारा प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। और जो आने वाली वीडियो होगी आपकी वह होगी फ्यूचर। क्या होगी? फ्यूचर। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर को समझने का और अच्छे से प्रयास करिए। जो हम पिछली वीडियो पढ़ा चुके हैं, जो हम पिछला सेशन ले चुके हैं वो पास्ट की वीडियो है। किसकी वीडियो है? पास्ट की है। और वर्तमान में जो क्लास आज हम पढ़ा रहे हैं ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। या आने वाली जो वीडियो होगी वह फ्यूचर होगी। क्या होगी? फ्यूचर। अर्थात जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर चुके हैं या सेकंड सेमेस्टर के जो हम लोग पेपर जो दे चुके हैं वो पास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? पास्ट। और जो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम का पेपर देने चल रहे हैं वो प्रेजेंट होगा। अर्थात अगर आज फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तो वो प्रेजेंट होगा। एक महीना, दो महीने, चार महीने बाद अगर वही फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तो क्या होगा? वो फ्यूचर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हम ऐसे भी और समझने का प्रयास करें, अगर हम लिख दें 1995 या लिख दें 2021 या लिखें 2025, ध्यान से समझिएगा, इसी में आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट कौन है, पास्ट कौन है और फ्यूचर कौन है। ये 1995 बीत चुका है, जो बीता हुआ कल होता है उसे हम पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। जो वर्तमान में समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान।
जो आने वाला कल होता है उसे हम भविष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं। अर्थात 1995 में जो घटनाएं घटित हुई थी वो हमारी घटनाएं थी, पास्ट की घटनाएं थी। 2021 में जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये वर्तमान की घटनाएं हैं, और जो 2025 में घटनाएं घटित होंगी उसे हम भविष्य का नाम देंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इस बात को। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। आइए हम लोग सीखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं या प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट के जो टाइप होते हैं वह मुख्यतः होते हैं चार प्रकार के। कितने? चार प्रकार के। कौन कौन से हो चारों प्रकार, उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। टेंस तीन प्रकार के, भेद हैं होते चार। टेंस तीन प्रकार के, भेद हैं होते चार। कौन कौन से हैं देखेंगे। टेंस में के अंतर्गत अगर हम बात करें, किसी भी टेंस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इसके भी चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होगा इंडिफिनिट, एक होगा इंडिफिनिट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट, चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए कि टेंस के भी चार भेद हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस सबके चार चार भेद होते हैं। पहला इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस तीन प्रकार के, भेद होते हैं चार। कौन कौन से वो भेद हैं? वो भेद हैं इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी भी पहचान अगर हम देखेंगे, इसकी पहचान ता है, ती है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। अर्थात जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं, या है, हूँ, है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इसमें रहा रही के साथ टाइम आए, रहा रही के साथ यदि टाइम आए इसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। हमने कहा कि जिसके वाक्य में हैं, हूँ, हो इत्यादि है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट के भी विचार भेद हैं। कौन कौन से हैं? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडिफिनिट के अंतर्गत में जैसे ता है, ती है, ते है, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको ये पढ़ने पर आभास हो कि अंत में जो है क्रिया के ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो आप तुरंत आप सोच लीजिएगा यह टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। और सेकंड है, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वह वाक्य जो लिखा गया है यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है। अगर कहीं पर वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में आए, तो आप तुरंत जानिएगा यह वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर कहीं पर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है के साथ साथ समय का भी जिक्र किया जाए,
आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात पीपीटी। आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे यहीं पर हम लोग देखने का प्रयास करें। इसे कहें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। देखिए ध्यान से, वह पढ़ता है तो यहाँ पर वह हमने कहा क्रिया के अंत में, क्रिया क्या होती, जो कोई एक्शन होता वही क्रिया होती, तो वह पढ़ता है, इसके देखिए क्रिया के अंत में ता है ती है आया, इसलिए हम इन्हें यहाँ से तुरंत पकड़ लिए या जो लिखा गया वाक्य है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर हम कहें वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, हमने कहा जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा रही रहे आए, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वह खा रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट में आपने देखा रहा रही रहे इत्यादि आया, अर्थात इसमें काम का निरंतर जारी होने का भाव प्रकट होता है। ऐसे भी वाक्यों को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो कार्य करने का वक्त है, वो समय है, वो कंटिन्यूअस में रुका नहीं है, वह क्या है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तीसरा है वह खा चुका है, वह खा चुका है, वह खा चुका है, यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, हमने कहा बताया था आपको यदि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आए तो ऐसे वाक्य को तुरंत आप पहचानिएगा यह वाक्य लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। चौथा यदि हम बात करें वह खाना खा चुका, वह खाना 2 घंटे से खा रहा है, वह खाना 2 घंटे से खा रहा है, से खा रहा है। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जहाँ पर रहा रही के साथ समय दिया गया हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमने कहा वह खाना रहा रही इसमें भी आया लेकिन 2 घंटे दिया गया है, जहाँ पर रहा रही के साथ समय हो आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट डू आई से। कहने का मतलब है कि आप जान गए होंगे कि टेंस की पहचान क्या है। तो आइए हम लोग फिर एक बार रिवीजन करते हैं। हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास्ट, गागी गे को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चांद लगेंगे उसके हस्ते में।